20 फरवरी 2017 को पाताखेड़ा क्षेत्र की तवा भूमिगत खदान में रात करीब 8:30 बजे घटी। जब दिलीप तड़ेकर सहायक मजदूर डीप पिलरिंग पैनल में गोफ के चोक को टाइट करने का कार्य कर रहे थे, उस वक्त ऊपर की चानी का कोयला गिरने से दिलीप तड़ेकर के सिर और दाहिने हाथ पर गहरी चोटें आई। उनकी क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। यदि काम के पहले चानी तथा साइड की ड्रेसिंग कर ली होती तो ये घटना नहीं होती। ये घटना चंद्रपुर क्षेत्र की भटाड़ी खुली खदान में दिनांक 30 अक्टूबर 2018 को प्रथम पाली में हुए करीब 1:15 पर एक्सवेटर क्रमांक 93 दलदल निकालने का कार्य कर रहा था। आनंद विश्वकर्मा माइनिंग सरदार के निर्देश पर इस कार्य को सुपरवाइज कर रहे थे। एक्सवेटर के कार्य कर रहे स्थान के एक सुरक्षित जगह पर आनंद विश्वकर्मा खड़े थे, तभी दलदल निकालने के क्रम में दलदल का कुछ हिस्सा ऊपर से नीचे खिसकने लगा। उसी वक्त वो कमर से पांव तक दलदल में फंस गए और वो बाल बाल बच गए। यदि आनंद विश्वकर्मा सावधानी पूर्वक सुरक्षित ऊपर थोड़ी दूर जगह पर खड़े होते तो ये घटना नहीं होती। ये घटना बल्लारपुर क्षेत्र की गौरी खुली खदान में दिनांक 10 फरवरी 2018 प्रथम पाली में हुई। मारुति अतरम ठेकेदार मजदूर करीब 10:45 पर मोबाइल क्रशर के ऊपर चढ़ा था। उसी वक्त उसका पैर लड़खड़ा गया और वो ऊपर से नीचे गिर गया। गिरते समय वो बेल्ट फ्रेम और गर्डर से टकरा गया। इलाज के दौरान 2 दिन के बाद मारुति अतरम की मृत्यु हो गई। यदि कार्यस्थल पर सेफ्टी बेल्ट का उपयोग किया गया होता तो यह घटना नहीं होती। 16 जुलाई 2016 को चंद्रपुर के दुर्गापुर रैतवारी भूमि खदान की एक घटना है, जब प्रथम पाली में करीब सुबह के 11:30 बजे ऑपरेटर श्री लक्ष्मण एसडीएल क्रमांक 1397 का तीसरा बकेट कोयले से भरा वापस ला रहे थे। केवल मैन आनंदराव दड़मन मशीन के आगे थे और केवल मैन पांडुरंग मशीन के पीछे थे। रास्ते में 3 राइट मोड़ थे। ऑपरेटर श्री लक्ष्मण मशीन को रिवर्स करते हुए पीछे देख रहा था। जब दूसरे मोड़ को पार कर रहे थे उस वक्त केवल मैन आनंद राव केवल को दूर करने के लिए मशीन के बकेट के पास ही थे। उसी समय मशीन मुड़ गई और केवल मैन आनंद राव की छाती में बकेट की ठोकर लग गई। केवल मैन आनंद राव वहीं जमीन पर गिर गए। उसी शाम को हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यदि केवल मैन आनंद राव मशीन से दूर रहकर सावधानी से कार्य करते तो यह घटना नहीं होती।